कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीरियों को कैदोबंद की जंजीरों में जकड़े 224 रोज हो गए। वादी का दुनिया से राबता ताहाल मनकता है। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत से कश्मीरी दम तोड़ने लगे हैं। कश्मीरियों की आहें और सिसकियां बेहिस आलमी बरादरी के कानों तक पहुंच नहीं सकी। भारत ने जन्नत नजीर वादी को दर्द की तस्वीर बना रखा है। कर्फ्यू और लॉकडाउन 224वें रोज भी खत्म न हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद कश्मीरी मुसलसल जुल्म और सितम सहने पर मजबूर है। वादी में स्कूल, कॉलेज और कारोबारी मराकज बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी न होने के बराबर है। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ताहाल मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल न हो सकी। कश्मीरी अपने घर अपनी वादी में ही सिसक सिसक कर दम तोड़ने लगे हैं। तवील कर्फ्यू के बायस मकबूजा कश्मीर में अशय खुरनोश अद्वियात तक की कमी पैदा हो गई है और वादी के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में मार धाड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। 5 अगस्त से अब तक सैकड़ों कश्मीरी शहीद, जख्मी और हुर्रियत रहनुमाओं समेत कैदोबंद में है। 80 लाख कश्मीरी भारतीय जबर से निजात के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। बहादुर कश्मीरियों की बड़ी तादाद तमाम तर पाबंदियों के बावजूद आए रोज अपने हुकूक के लिए काबिज फौज के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। कश्मीरियों की आहों और सिसकियों पर आलमी बरादरी की खामोशी बरकरार है।